भीषण गर्मी से तप रही धरती, लोग बेहाल। वहीं जिले में लगातार भीषण गर्मी के ताप से विद्युत उपकरण हो रहे फेल। आप सभी का सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के सावस्ती जनपद से है, जहां पर जिले में लगातार भीषण गर्मी के ताप से विद्युत उपकरण फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह ट्रांसफार्मर में लग रही है आग। सिरसिया के बेचईपुरवा में अचानक 11,000 लाइट के तार टूट कर गिरने से मची लोगों में भगदड़। जान बचाकर भागते नजर आए लोग। आवागमन पूरी तरह से हुआ ठप। पुराने व जर्जर तारों के सहारे जिले में चल रही विद्युत व्यवस्था, जर्जर विद्युत व्यवस्था को लेकर लोगों में आक्रोश। जी हाँ, अगर इसी तरह हालात रहे, इसी तरह गर्मी बढ़ती रही, तो श्रावस्ती में भी विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठप होने में देर नहीं लगेगी। एक तरफ भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ जर्जर तारों के सहारे कई जगहों पर आपूर्ति दी जा रही है, जो अब गर्मी का ताप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लगातार ट्रांसफार्मर में आग लग रही है, कहीं कई जगह पर तार टूट कर नीचे गिर रहे हैं, ऐसे में हादसे होना स्वाभाविक है। सिरसिया के बेचईपुरवा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आवागमन ठप हो गया। अचानक 11,000 वोल्टेज के तार टूट कर जमीन में आ गिरे। यहां पर भगदड़ मची, लोग अपनी जान बचाकर भागे। पूरी तरह से इस समय गर्मी ने अपना कहर बरपा रखा है। आसमान से आग निकल रही है, तो धरती पर रहने वाले लोग, पशु पक्षी सारे बेहाल हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जर्जर तारों के सहारे सप्लाई चलाई जा रही थी, अचानक गर्मी बर्दाश्त न कर पाने के चलते 11,000 लाइन के तार टूटकर गिर गए, जिसके चलते लोग भागते हुए नजर आए। जगह जगह ट्रांसफार्मर में आग लग रही है, इसके चलते भी लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ी हुई हैं। वहीं विद्युत कर्मचारियों की अगर बात करें, तो विद्युत के जो संविदा कर्मचारी हैं, वो भीषण गर्मी में भी आपूर्ति को बहाल करने में जुटे हैं, जो सराहनीय कार्य है। कम पैसे में वो कार्य करते हैं और अपनी जान हथेली पर लेकर इस समय कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पूरी तरह से जो उपकरण, जो सहायता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही। इसके बावजूद भी लोगों की समस्या को देखते हुए विद्युत कर्मी लगातार जान जोखिम में डालकर भीषण गर्मी में काम करते हुए नजर आते हैं, जो सराहनीय है। श्रावस्ती जनपद के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर, जहां पर भीषण गर्मी के चलते जगह जगह पर जो विद्युत के तार हैं, वो कहीं पर टूट कर गिर रहे हैं, तो कहीं पर ट्रांसफार्मर में आग लग रही है, जिसके चलते लोगों की समस्याएं काफ़ी हद तक बढ़ी हुई हैं। हालांकि यहां विद्युत विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनकी सराहना की जाए तो कम नहीं है, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जब कोई बाहर नहीं निकल पाता, तब वो लोहे और कंक्रीट के खंभों पर चढ़ते हुए भी नजर आते हैं। वो काम करते हैं कि लोग गर्मी से राहत पा सकें, अपने घरों में रहें, आराम से रहें, लेकिन लगातार ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। अगर इसी तरह गर्मी बढ़ती रही, तो श्रावस्ती में भी विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो सकती है।